जो चीजें हैं इस फोटोग्राफी हैक्स पे लगेंगे वो बहुत इजी अवेलेबल है, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। आई होप कि आप सबको अच्छा लगेगा और आप सब ट्राई भी करना। अगर आप लोग ट्राई करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मेरे साथ पिक्चर जरूर शेयर करना मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे जो है सुमेधा भट्टाचार्य ऑफिशियल। अगर आप लोगों ने अभी तक इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी जल्दी जाके मुझे फॉलो करो, और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब करो। और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना। मैं ऐसे कुछ कंटेंट नहीं बनाती हूँ जो आप फैमिली के साथ शेयर ना कर पाओ, तो जरूर शेयर करना। और आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो चलो वीडियो में, तो मैं यहाँ पे पहली जो पिक्चर है वो क्लिक करने के लिए जो सेटअप चाहिए हमें वो मैं रेडी कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे फोन को रख दिया है, मैंने यहाँ पे फोन जमीन पे रखा है, पीछे स्टैंड रख दिया है मैंने फ़ोन के ताकि मेरा फ़ोन गिर ना जाए। आप अगर चाहो तो स्टैंड की जगह पे कुछ भी यूज़ कर सकते हो, लाइक खाली बॉक्स या फिर चेयर या फिर और एक स्टूल, जो भी चाहे आप यूज़ कर सकते हो। ये ध्यान में रखना कि फ़ोन एक जगह पे रहे और हिले ना। आपको दोनों स्टूल को ऐसे मैनेज करना है ताकि पीछे का जो स्टूल है वो ना दिखे, कॉटन से पूरा कवर हो जाए फ़ोन में, मतलब फ़ोन के जो फ्रंट कैमरा में आपको पिक्चर चाहिए उस पिक्चर में पीछे का जो स्टूल है वो विजिबल ना हो। इससे आपका पिक्चर बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा, सच में लगेगा कि आप कुछ कॉटन में हो या फिर बादल में हो। तो ऐसे मैंने अपना सेटअप रेडी कर लिया है, तो आपको मैं अभी दिखा दूंगी कि दूर से कैसा लग रहा है सेटअप। तो चलो मैं दिखा देती हूँ आपको। आप देखो ज़मीन में मैंने फ़ोन को रखा है, और स्टैंड को इसीलिए रखा है कि फ़ोन गिरे ना। स्टैंड का यहाँ पे कोई भी काम नहीं है, तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो स्टैंड की जगह पे, आपको जो पसंद है और आपके घर में जो इजीली अवेलेबल है। तो हमारा सेटअप बिल्कुल रेडी है पिक्चर क्लिक करने के लिए। अभी हमारा एक ही काम है, जो लंबा स्टूल है येलो कलर का उसमें बैठ के बस हम पोजेस देंगे और पिक्चर क्लिक होगा। आप चाहे तो 10 सेकंड का टाइमर तक लगा सकते हो। तो आप देख लीजिए इस हैक को यूज़ करने के बाद मुझे कैसा पिक्चर मिला। ये है पिक्चर 1, ये है पिक्चर 2, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। तो सेकंड हैक के लिए हम लोग रेडी हो रहे हैं। उसके लिए आपको चाहिए ऐसा एक बैंगल, आप देख सकते हो ये एक बैंगल है, तो ऐसा एक बैंगल चाहिए। आपको चाहिए सेलो टेप और कुछ पत्ते। सेलो टेप के मदद से आप पत्ते को उस बैंगल पे चिपका दो, बैंगल पे पत्ता लगाते रहो जब तक ना पूरा बैंगल कवर हो जाए और लगे कि पूरा मतलब पत्ता ही है, बैंगल नहीं दिखना चाहिए, पूरा पत्ता दिखना चाहिए। तो हमारा बैंगल जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। मैं इसमें सेलो टेप लगाऊंगी, ये लास्ट पत्ता है, इसको लगाने से हमारा बैंगल बिल्कुल रेडी हो जाएगा। फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसका फाइनल लुक जो है वो कैसा लगेगा। उसको देखने से आपको नहीं लगेगा कि इसे बैंगल के ऊपर बनाया गया है। तो आप लोग देख सकते हो बैंगल कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, पूरा लग रहा है कि पत्ता ही है। इससे हम लोग बहुत 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 सारे क्रिएटिव पिक्चर्स क्लिक कर सकेंगे। तो पहले मैं फ़ोन के फ्रंट कैमरे को ऑन करके 10 सेकंड का जो टाइमर है वो लगा देती हूँ, फिर उसके ऊपर से जो पत्ता है या फिर बैंगल विथ पत्ता है उसको मैं रख देती हूँ। ऐसे सेट करूँगी तो मेरा जो फेस है वो भी बहुत अच्छी तरीके से दिखेगा। तो अभी मुझे एक ही चीज़ करना है, बस जाके पोजेस देना है। और इस हैक को ट्राई करने से मुझे जो पिक्चर्स मिले वो है पिक्चर 1, बहुत ही एक सुंदर पिक्चर है। यह पिक्चर 2, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है पिक्चर 2। आप लोग कमेंट में बताना ज़रूर कौन सा पिक्चर आपका फेवरेट है। और यह है पिक्चर 3। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं थर्ड हैक की तरफ। तो थर्ड हैक में हमें चाहिए वो कॉटन जो हमने पहले यूज़ किया था। तो मैंने कॉटन को अच्छी तरीके से जो वो हमारा येलो स्टूल था लंबा वाला उसके ऊपर बिछा दिया है। फिर हम उसके ऊपर एक एक करके जो पत्ता है वो डालेंगे। ये पत्ता मैंने फिर से नहीं तोड़ा है, इसको मैंने उसी बैंगल से जो है सेलो टेप से निकाल लिया है, तो उसको ही मैं यूज़ कर रही हूँ। पर इससे कवर नहीं हुआ था तो थोड़ा मुझे फिर से तोड़ना पड़ा था, क्योंकि बैंगल से निकालने के बाद जो पत्ते मिले थे हमें वो मतलब काफ़ी नहीं था ये कॉटन को कवर करने के लिए, इसीलिए हमें बाद में थोड़ा पत्ता और लगा।
और हमने फूल भी डाला है, आप देख सकते हो बीच बीच में हमने फूल डाला है क्योंकि हमें ये जो पूरा कॉटन है इसको अच्छी तरीके से कवर करना है ताकि मतलब थोड़ा भी कॉटन ना दिखे, पूरा लगे कि यहाँ पे पत्ता ही पत्ता है। मतलब हमें इसमें आप गेस करो कि क्या बना सकते हैं हम इससे, तो ऐसा कुछ दिखना चाहिए कि यहाँ पे सिर्फ पत्ता और पत्ता है, मतलब कॉटन नहीं दिखना चाहिए। तो कॉटन को पूरा कवर करना है, ठीक है। तो मैं जैसे धीरे धीरे पत्ते और फूलों को कॉटन में रख रही हूँ, आप लोगों को भी ऐसे ही करना है। आप लोग भी ध्यान में रखना कि आपका जो यहाँ पे जो कॉटन है वो ना दिखे, सिर्फ फूल और पत्ते ही दिखे। तो आप लोग अगर इस हैक को ट्राई करना चाहते हो तो आप लोग भी ये चीज़ ध्यान में रखना कि आप जो कॉटन यूज़ कर रहे हो उसको आप पत्ते से पूरा कवर कर पाओ, और पत्ते से अगर आप पूरा कवर कर लोगे तो आपका जो पिक्चर है वो बहुत ही रियलिस्टिक आएगा। तो हमारा सेटअप बिल्कुल रेडी है। मैं फ़ोन को लैंडस्केप में रख के शूट करूँगी, इसीलिए मैंने फ़ोन को स्टैंड में रखा है। आप लोग पोर्ट्रेट में शूट करोगे तो आप फ़ोन को चेयर या फिर किसी भी चीज़ पे रख सकते हो जहाँ से फ़ोन गिर ना जाए, तो वहाँ पे फ़ोन को रख के आप लोग पोजेस दे सकते हो, आपको कुछ ऐसे पिक्चर मिल जाएंगे। आप देख सकते हो पिक्चर्स कितना रियलिस्टिक आया है कि लग रहा है कि मैं गार्डन में हूँ, मैं फूल तोड़ रही हूँ, तो बहुत ही अच्छा आपको पिक्चर मिल जाएगा। सो हे गाइस, आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, इसमें कॉमेंट करना और इसको आगे शेयर करना। और मैंने बीच में आप लोग देख सकते हो कि ड्रेस चेंज किया है, मतलब कहीं पे एक कील मतलब निकल गया था कहीं पे बैठने की जगह, तो ड्रेस फट गया तो उसको मैंने चेंज किया, फिर मैंने ये वाइट पहना। तो आप लोग शायद वो देख सकते हो, फिर आप लोग समझ सकते हो कि मैंने वो पहले शूट किया था, तो इसीलिए मैंने बता दिया कि मैंने आज ही दोनों मतलब पूरा वीडियो आज ही एक ही दिन में शूट किया है। तो इसी वजह से मैंने ड्रेस चेंज किया, पहले ऑरेंज फिर वाइट। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, इसमें कमेंट करना और मेरी चैनल को आगे सब्सक्राइब ज़रूर करना।